माझ्या सगळ्या म्हशी 11 च्या 11 हाँ टोटल 1,05,000 पट्टीत पुट्ठा आलेल्या आहेत. आणि म्हशी तुम्हाला इथं प्रत्येक गावागावात जाऊन शेतकऱ्यापैकी खरेदी करून देतात. हाँ आणि दुपारी म्हैस बघितली असली तर संध्याकाळी खाली करायची. हाँ आणि सकाळी परत दुसऱ्या दिवशी जाऊन दूध मोजायचं. अच्छा अच्छा भाइयों को राम राम जी, नमस्कार. आज देख पा रहे हैं जी फुल खचाखच भरा है जी राज डेयरी फार्म. और सामने आप देख पा रहे हैं सांगली महाराष्ट्र से भाई साहब आए हुए हैं जिन्होंने 11 भैंसें खरीदी हैं. वो इस लाइन में बंधी हुई है. किस रेट में खरीदी है, कितने दूध की भैंस है, भाई साहब से पूछेंगे. और इस साइड की जो 10 भैंसें देख पा रहे हैं ये जा रही है जलगांव महाराष्ट्र में. तो सबसे पहले भाई साहब से ही बात कर लेते हैं. तो नमस्कार भाई साहब, कौन सी जगह है अपनी? सांगली महाराष्ट्र. सांगली महाराष्ट्र में. तो कितना पशुधन खरीदा है भाई साहब आपने राज डेयरी फार्म से? कितनी भैंसे खरीदी है आपने? नहीं नहीं पहले भैंस बताओ कितना खरीदा आपने. 11 मराठी में बोलो, क्या बोल रहे? मराठी में बोलो आप. 11 मशी खरीदे थे अपन. अच्छा, कैसा लगा भैंस आपको? मशी सगळ्यात चांगले. अच्छा अच्छा, दूध कितने टाइम देखा आपने? दूध 2 टाइम आम्ही बघितले. अच्छा अच्छा, और कितने दिन हो गए आपको इधर अपने फार्म पे आए हुए? 4 दिन. 4 दिन में 11 भैंस खरीदा है? सब. अच्छा अच्छा, कैसी लगी भाई साहब भैंस आपको? अच्छा अच्छा, और रेट के हिसाब से? रेट के हिसाब से अच्छा है, ठीक है ना. अच्छा, जो अपनी मराठी भाषा है उसमें जो महाराष्ट्र के देखने वाले भाई है, कैसे आपने भैंस खरीदी, कैसा इधर का रहने खाने पीने में कोई परेशानी आई हो किसी चीज के बारे में, इसके बारे में बताए थोड़ा. इथं राहायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. हा हा, आपण इथे येऊ शकता, काय अडचण नाही. हा हा, कारण इथं कोणतीच प्रकारची अडचण येत नाही. जेवायची राहायची हा हा सोय सगळी इथं चांगली आहे. अच्छा अच्छा. आणि म्हशी तुम्हाला इथं प्रत्येक गावागावात जाऊन शेतकऱ्यापैकी खरेदी करून देतात. हा हा. आणि दुपारी म्हैस बघितली असली तर संध्याकाळी खाली करायची. हा हा. आणि सकाळी परत दुसऱ्या दिवशी जाऊन दूध मोजायचं. अच्छा अच्छा. आपण दोन टाइम दूध मोजू शकतो इथे. हा हा, त्याची पण काय अडचण नाही. अच्छा अच्छा. म्हैस आपल्याला इथं कमी रेट मध्ये मिळू शकते, कारण का डायरेक्ट आपण शेतकऱ्याला देतो. हा हा, अगर यही भैंस आप मार्केट से खरीदते तो 10-15 हजार रुपये महंगी मिलती ना भैंस, ठीक है ना. तो पहले आप जैसे कितने दिन से आ रहे हो हरियाणा में? आतापर्यंत मी 20 वर्ष झाले हरियाणा मध्ये. अच्छा अच्छा. पण एवढ्या ताज्या वॅलीला म्हशी मी पहिल्यांदाच घेऊन चाललोय. हा हा. और कितना पशु अपने पास में उधर? आता माझ्याकडे 50 जनावर आहेत. अच्छा अच्छा, जो आपली प्रॉपर जगह आहे सांगली में थोडा वो और कन्फर्म करवा दें एक बार. माझा सांगली मध्ये वसंतदादा शुगर फॅक्टरी पशी. हा हा, गोटा आहे. अच्छा अच्छा, और कितने रेट से लेके कितने तक खरीदा भाई साहब, ये और बताएं एक बार. आता माझी 97,000 पासून. हा हा, 1,34,000 पण खरेदी झाली. 97,000 से लेके 1,34,000 रुपये तक. कितने दूध से लेके कितने तक है भाई साहब? 10 भैंस तो खरीदी है 97,000 से लेके 1,09,000 रुपए तक. अच्छा. एक भैंस ली है साहब, को पसंद आ गया वो, 1,34,000 रुपए. अच्छा अच्छा. बाकी भैंस भी 97 की है, कोई 1-1 की है, कोई 1 लाख की है, कोई 1-8 की है, कोई 1-9 की है. अच्छा अच्छा. 1-9 तक 10 भैंस है 97,000 से लेके. हाँ हाँ. और 1,34,000 रुपए की एक भैंस ली है स्पेशल. अच्छा अच्छा, वो भाई साहब को पसंद आ गई थी. क्या बोल रहे हो आप? माझ्या सगळ्या म्हशी 11 च्या 11 टोटल 1,05,000 च्या पुट्ठा पुट्ठा पड़ गया. 1,05,000 का पुट्ठा पड़ गया आपको. ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप राज डेयरी फार्म पे आए. ठीक है जी, प्रमोद भाई से पूछेंगे थोड़ा और भैंसों के बारे में, फुल डिटेल से बताएं प्रमोद भाई. एक नंबर वाली जो भैंस है इसके बारे में. ये भाई साहब 1,18,000 रुपए की. 1,18,000 रुपए की 14 किलो दूध तैयार है, 5-6 दिन की भी. ये देख लें जी, 1,18,000 रुपए की 14 लीटर दूध की भैंस. ये देखें जी, बहुत भारी भरकम भैंस. अगर इन्हीं भैंसों पे हम ब्रीडिंग पे काम करें तो भविष्य में अच्छे कटड़े कटड़िया हम खरीद सकते हैं. और ये देखें जी, इसके अलावा फुल खचाखच भरा जी, फार्म भी दिखाएंगे आपको पूरा कवर करके. थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, लास्ट तक बने रहें.
ये दो नंबर वाली और बताएं भाई साहब कितने का लिए? 1000 रुपए की दी भाई, 13-14 किलो दूध इसमें। 1 लाख कितना दूध निकाल देगी वो? 15 किलो देगी। 15 किलो दूध 1,01,000 रुपए की। ये भैंस खीस से खाली होके 4-5 दिन की ब्याई है। हाँ हाँ, 13 किलो दूध होके पे तैयार। अच्छा, 17-18 किलो दूध निकालेगी। 1,12,000 रुपए की। 1,12,000 रुपए की। ये देखे जी, कमेंट में आप जरूर बताएं रेट के हिसाब से। कई भाई होते हैं जी, रेट बोलते हैं मौके पे होगा, लेकिन देखने वाले भाइयों को भी पता चले कि भी हरियाणा में इस रेट में ऐसी भैंस मिलेगी आपको। और मौके की बात ये है, जो भैंस दिखाते हैं ना आज तक की अपनी जो वीडियो है, हाँ हाँ, सब में रेट बताएंगे। और अपने पास क्या है, जैसे फार्म पे 1-2-4 भैंस रहती है, क्यों परमानेंट खरीद बार की चलती है। हाँ, महाराष्ट्र की 10-15 भैंस नहीं रख सकते। लोग बोलते हैं 10 भैंस इकट्ठी मिलती है। हाँ हाँ, उसमें कोई 1 महीने की ब्याई हो जाती है, कोई 2 महीने की। जो पसंद पे प्रेशर डालते हैं, ये ले लो, ये अच्छी है, वो है, फला है, टीका है। हाँ हाँ, ठीक है ना। बाहर से जो ग्राहक को पसंद आए, 2-3 टाइम दूध निकालो, मौके पे सौदा करो उसका। अगर पास है तो ठीक है, फैल है तो दूसरे टाइम दूध निकाल के पता लग जाता है। ठीक है ठीक है भाई साहब, थोड़ा भैंसों के बारे में बताएं, जल्दी वीडियो बड़ी हो जाएगी। ये 1,05,000 रुपए की दी है, दूसरे बैंक की है। 1,05,000 रुपए कितना दूध निकाल देगी? 11 किलो दूध है खीस से खाली होके। और ये वाली? ये 1,08,000 रुपए की दी है, 13-14 किलो दूध तैयार। 1,08,000 रुपए की जी। ये 1,05,000 की दी है, कितना कितना दूध निकाल देगी भाई साहब? तैयार है 15 किलो दूध ये देगी, 16-17 किलो दूध। ये देखिए जी, पुट्ठे सींग शरीर हर भैंस की आप कंपैरिजन करके देखें, लास्ट तक 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक बंधी हुई है भाई, पूरी भैंस को नहीं दिखा। और ये देखें जी, अंदर भैंस भी भाई साहब बता रहे हैं बंधी हुई है। चलो कोई नहीं, वो भी देखें लास्ट तक। ये 97,000 रुपए की दी है, 14 किलो दूध तैयार है। 97,000 की 14 लीटर दूध की भैंस। और ये अगले वाली? ये 1,02,000 रुपए की दी है। 1,02,000 रुपए की। ये 1,00,000 रुपए की दी है। 1,00,000 रुपए की। ये 1,17,000 रुपए की दी है, अभी 14 किलो दूध तैयार है जोटी। ये देखें जी, लंबाई ऊंचाई 6 दांत की, दूसरे ब्यांत की लंबाई ऊंचाई सबसे ज्यादा है इसकी जोटी की, आज की जो सभी भैंस है उसमें। ये देख लें जी, और ये वाली भैंस है भाई साहब, ये कहाँ पे जा रही है भैंसी और बताएं? वो सांगली जाएंगी। ये सांगली, ये जलगांव, लगभग 25 भैंस बंधी हुई है। हाँ हाँ, इसमें से लातूर भी जाएंगी, कुछ भैंस अंदर बंधी हुई है। अच्छा अच्छा, और पुन्ना भी जाएंगी, 5-6 भैंस 12 भी आई हुई है। ये भैंस कितना बताया? ये 83,000 रुपए की। कितना दूध निकाल देगी? ये दूध निकाल देगी 14 किलो। 14 किलो अभी 12 किलो दूध तैयार। अच्छा, पीछे गाय बंधी हुई वो हैदराबाद जाएगी। और पीछे गाय भी बंधी हुई है, देखें जी, सभी ब्याई हुई गाय है, वो बाद में करेंगे पूरा वीडियो। और 1,06,000 रुपए की दी है ये। 1,06,000 रुपए की जी। और इससे आगे वाली? ये आगे वाली जो थी 1,06,000। 1,06,000 रुपए की। हाँ, दूध है इसमें खींच से खाली होते हुए सभी पूरी लाइन में, किसी में 12 है, किसी में 10 है, किसी में 13-14 है। एवरेज 14-15-16 लीटर तक की है भैंसों की। ये देख ले जी, आपको जैसे आज की वीडियो में पीछे की जो क्वालिटी है, अडर की है, सींग की है, हर मामले में साफ सुथरी भैंस है जी। दूसरे ब्यांत की है 1,07,000 रुपए की। 1,07,000 रुपए की ये भैंस देखिए जी। तीसरे ब्यांत की भैंस है 1,04,000 रुपए की दी है, 15 किलो दूध मौके पे। 15 किलो दूध तैयार है जी मौके पे, 1,04,000 रुपए की। आगे वाली और बताएं भाई साहब। 1,07,000 रुपए की दी है भाई, 14 किलो दूध तैयार है। 1,07,000 रुपए की 14 किलो दूध तैयार है जी। ये 95,000 रुपए की दी है। ये 95,000 रुपए किलो दूध तैयार है, 13 लीटर दूध तैयार है। और आगे वाली? ये 82,000 रुपए की। ये देखिए जी, मात्र जो 82,000 रुपए जो रेट है इस जोटी का, ये देखें जी, हर तरह की भैंस देखने को मिलेगी, 80,000 से लेके 1,15,000-20,000 रुपए तक की पसंद आपकी रहेगी। और इससे आगे वाली? ये 1,15 की दी है, 13-14 किलो दूध तैयार। 1,15,000 रुपए की 13-14 लीटर दूध की जोटी, देखें जी। और आगे वाली भाई साहब? आगे वाली भैंस दी 1,17,000 रुपए की। 1,17,000 रुपए की वो जोटी दी है, 1,22,000 रुपए की। 1,22,000 रुपए की जोटी, दूध निकल रहा है जिसका। ये देख लें जी, चुवाई अडर भी बंधी हुई है। ये देखें जी, नीचे का सिस्टम देखें जोटी का। और राज डेयरी फार्म का जो एड्रेस है, गांव मिंगनीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा में है। कॉन्टैक्ट नंबर लगातार नीचे साफ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये जोड़ा दिया भाई 2,37,000 रुपए का, दोनों भैंस। दोनों भैंस, वो भैंस 20 किलो दूध। ये देखें जी, 20 लीटर की हाथी, 15 किलो दूध तैयार है। हाथी के लगभग भैंस देखें जी, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई देखें इस भैंस की, 2,34,000 रुपए का जोड़ा। और इससे आगे वाली? 95,000 रुपए की, 12 किलो दूध तैयार है इसमें। और ये वाली? ये ठीक है, इसमें 11-12 किलो 3 दिन की ब्याई है। हाँ हाँ, 1,08,000 रुपये की। 1,08,000 रुपये की भैंस जो कि देखें जी। तो इधर आओ प्रमोद भाई एक बार सामने थोड़ा। तो देखने वाले भाई है जो साथ में जुड़े हैं, कहाँ कहाँ पे भैंसे भेज रहे हो आप, एक बार ये और बताएं थोड़ा। ज्यादातर
ज्यादातर तो महाराष्ट्र में जाती है अपनी। हाँ हाँ, जैसे परमानेंट महाराष्ट्र में जाती है, थोड़ी जगह थोड़ी ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं, कहीं भी यूपी, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं का भी हो, पूरे में पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी। और ट्रांसपोर्टिंग सुविधा करवा के देखो, बिल्कुल खुद करवा के देंगे। अच्छा, देंगे 5-7 दिन उधर अपना आदमी भी छोड़ेंगे, गाय हो चाहे भैंस। अच्छा अच्छा, गाय सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं देंगे। हाँ, जो इधर दूध बताओगे तो भैया साथ में जाएगा अपना, जैसे दो चार जाएगा, जैसे 12 लीटर बताएंगे, 14 लीटर बताएंगे, एक आधा लीटर ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, लेकिन अवरेज की जो बोली देंगे ना, 120 की, 25 की, 30 की, अवरेज नपुआ के आएंगे, किसी भैंस में 12 देगी, 15 भी देगी, पूरा संतुष्ट करके आओगे जिस भाई को। भाई साहब देखो, वैसे तो 1-2 लीटर ज्यादा दे दे तो कोई पैसे ज्यादा नहीं लेते, और कम दे दे तो पैसे कम नहीं करते, 1-2 लीटर की कोई बात नहीं है। चलो ठीक है भाई साहब, और 1-2 भैंस लेनी हो पूना के आसपास, कहीं का भी हो, 1 या 2 भैंस लेनी हो महाराष्ट्र में तो खासकर। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्र में तो कौन सी भी जगह पे चाहे कटनी भी लेनी हो, चलो तो अपनी परमानेंट गाड़ी जाती रहती है। ठीक है भाई साहब, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक में सोच के बताएंगे मौके पे गाड़ी जा रही है तो कोई भेज। चलो ठीक है प्रमोद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखें जी आज की जो वीडियो है, और वैसे देखें जी एक जगह पूरे हरियाणा में बात करें तो आज के दिन इतनी सारी भैंसें और इस क्वालिटी की मिलना बहुत ही मुश्किल है जी। और इस रेट में, रेट देखें जी भैंसों के, लोग बोलते हैं 2 की 2.5 की 3 की, लेकिन हमने जो एवरेज है 80,000 से लेके 1,15,000-20,000 रुपए के जो भैंसे हैं, वही जो अपने ग्राहकों को दिलाई है। तो देख लें जी, तो कैसा लगा जी आज का वीडियो, और भैंसों के बारे में ज़रूर बताएँ। गाँव मिंगनीखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, हरियाणा से वीडियो हमने शूट किया है। ठीक है, सभी भाइयों को एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल।